कर दी। तो दोस्तों ये स्पार्क प्लग देख रहे हो कितने सारे स्पार्क प्लग हैं, इसमें कुछ जेन्युइन भी हैं, कुछ लोकल भी हैं, कुछ अलग गाड़ी के हैं, कुछ अलग गाड़ी के हैं। तो ये आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि आपकी गाड़ी में स्पार्क प्लग कौन सा लगेगा? और अगर आप जस्टिफाई कर भी लो तो आपको कैसे पता लगेगा कि यार, मतलब जैसे मान लो ये छोटा सा प्लग 100cc का अगर उस गाड़ी में मैं 125 का डाल दूंगा या 150cc का डाल दूंगा तो क्या होगा नुकसान, क्या होगा फ़ायदा गाड़ी में? उसके अलावा काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसा करते भी हैं और बाद में नुकसान भी होता है और उनको फ़ायदा भी होता है। बट इस वीडियो में आपको स्पार्क प्लग से रिलेटेड काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को अभी इसी वक्त लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से मैं आपको बताता हूँ स्पार्क प्लग की पूरी डिटेल। दोस्तों मान लो ये जो गाड़ी एवेंजर है, इस एवेंजर के अंदर अगर मैं हीरो होंडा स्प्लेंडर का स्पार्क प्लग लगा दूंगा तो क्या होगा? सबसे पहली चीज, अगर मैंने हीरो होंडा स्पार्क प्लग इसमें लगा दिया एवेंजर गाड़ी में, जबकि इसमें बड़ी चूड़ी का प्लग लगता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि बड़ी चूड़ी और छोटी चूड़ी का प्लग क्या होता है। देखो हर किसी के हेड का एक डायग्राम होता है, अगर हम बड़े वाले हेड के अंदर छोटा वाला स्पार्क प्लग लगा देंगे तो उसमें आपकी गाड़ी के इंजन को कुछ देरी के लिए दिक्कत नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। वहीं अगर आप लंबे टाइम तक चलने दोगे तो जो चूड़ी का निशान होता है, जो जिसमें स्पार्क प्लग टाइट होता है, उसमें कार्बन जमा हो जाएंगे। वो कैसे होंगे? जब हमारी गाड़ी में हैवी सीसी का जो इंजन होता है, अगर उसके अंदर बड़ी चूड़ी का स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा बड़ी चूड़ी क्या होता है, छोटी चूड़ी क्या होता है। सबसे पहले बताता हूं, अगर बड़े हेड में, बड़ी सीसी की गाड़ी में, जैसे मान लो एवेंजर की सीसी हेड की गाड़ी की बात कर रहा हूं, उसके अंदर अगर मैं 100cc का स्पार्क प्लग लगा दिया स्प्लेंडर का, तो क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट, हमारे हर किसी के गाड़ी के मतलब इंजन में पिस्टन होता है और पिस्टन के ऊपर कार्बन मतलब वो आता है, एक एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आता है, जो वो ब्लास्ट होता है, तो उसको जो ब्लास्ट वाला प्रक्रिया है वो आपका स्पार्क प्लग करता है। कैसे? जब हम गाड़ी में स्टार्ट करते हैं, मतलब एक तरह से सेल्फ मारते हैं, तो हमारा जो एरिया होता है पिस्टन का, उसके ऊपर पेट्रोल और एयर जो होती है, वो जो स्पार्क प्लग हमने लगाया है उसके हेड के अकॉर्डिंग, अगर हमने वो स्पार्क प्लग छोटा कर दिया है तो उसकी स्पार्किंग जो होती है वो बैक साइड से होती है, यानी कि बहुत कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से हमारा कुछ मिश्रण होता है वो जल जाता है और कुछ मिश्रण होता है वो नहीं जल पाता है। जो नहीं जल पाता है वो वहीं रह जाता है और वो कचरा बन के एकदम पपड़ी बन के वो जमते रहता है। और वो जमने के बाद हमारी जो स्पार्क प्लग की चूड़ी है, जहाँ तक बोल्ट को टाइट होना था, स्पार्क प्लग को टाइट होना था, वहाँ नहीं हो पाई, तो वो सारा कार्बन उसमें घुस जाता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के हेड की चूड़ी भी स्लिप हो सकती है। उसके अलावा जो कार्बन नहीं जल पाता है, जो मिश्रण नहीं जल पाता है, वो आपकी गाड़ी के अंदर दिक्कत करता है। कैसे? पहला पॉइंट, आपकी गाड़ी में जो मिश्रण नहीं जल पाता है, उसके ना जलने की वजह से पिकअप कम आता है। दूसरा, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो मिश्रण आपके स्पार्क प्लग के चले जाता है। तीसरा, आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम के साथ साथ आपकी गाड़ी में पिकअप की प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आपकी गाड़ी सुबह स्टार्ट ना हो, या हो सकता है लंबा सेल्फ ले, ठीक है? तो ये तो यहाँ पे ये दिक्कतें आती हैं। बट आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, क्या हम इमरजेंसी में बड़े वाले हेड के अंदर, जिसमें बड़ी चूड़ी का प्लग लगता है, उसके अंदर छोटा वाला छोटी चूड़ी का प्लग लगा सकते हैं इमरजेंसी में? तो बता दूं आपको मैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत दिक्कत है आपको, तो आप एक पल्सर गाड़ी में स्प्लेंडर का स्पार्क प्लग डाल के अपनी गाड़ी के इमरजेंसी में स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर मैं इस प्रक्रिया को उल्टा कर दूँ, स्प्लेंडर में पल्सर का प्लग डालना है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। इसके लिए क्यों मैं इसके लिए क्यों मना कर रहा हूँ? देखो, जो छोटी गाड़ी का हेड होता है, अगर हम उसमें बड़ी गाड़ी का, एक तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ, बड़े पैर का जो जूता होता है वो छोटे पैर में इजीली चले जाता है। मतलब ये कि जैसे मान लो मेरा जो पैर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, अब मैं उससे भी बड़ा साइज का जूता ले गया हूँ तो उसमें आराम से फिट बैठ जाऊँगा, थोड़ा बहुत लूज रहेगा वो। वहीं अगर मैं बड़ा पैर लूँगा और छोटे जूते में डालने, जूता फट जाएगा। एक तरह से बहुत बेकार एग्जांपल है, पर आप समझो मैं कहना चाह रहा हूँ। 100cc का हेड एक छोटा हो गया और 150cc का हेड बड़ा हो गया, अगर उसका स्पार्क प्लग मैंने हेड के अंदर डाला 100cc के, तो वो जो है एरिया वो पूरा फाड़ देगा और आपकी गाड़ी के वॉल टेढ़े हो जाएंगे सेल्फ मारते ही। और अगर ऐसा हो गया तो आपकी गाड़ी का इंजन खुलेगा, हेड और सिलेंडर खुल सकता है, हो सकता है पिस्टन में भी छेद आ जाए, और आपकी गाड़ी में जो हेड के वाल अगर टूट जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं उस कारण की वजह से, तो आपकी गाड़ी में नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि हेड के वाल क्या होते हैं और किस तरीके से हमारा जो पिस्टन है वो वहाँ परेशान करता है उस चीज़ को, स्पार्क प्लग को छोड़ा करता है, ठीक है? तो थोड़ा बारीकी समझते हैं और आपको मिलते हैं थोड़ा सा कुछ सामान के साथ। ये है हमारे पास पल्सर गाड़ी का हेड, पल्सर 180cc, ठीक है, ओल्ड मॉडल। अब इस गाड़ी के जो अंदर आप देख रहे हो, इस गाड़ी के हेड के अंदर ये वाल लगा है बड़ा वाला, ये वाल लगा छोटा वाला। जो हमारी गाड़ी में स्पार्क प्लग लगते हैं, एक लगता है इसके अंदर, एक लगता है इसके अंदर। अब मान लो मैं इसके अंदर इन दो स्पार्क, ये है इसका प्रॉपर प्लग, यानी कि पल्सर का पल, देखो इस ये प्लग जो है ना, ये स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं। अगर मैं इसमें चाहूँ तो CBZ एक्सट्रीम का भी प्लग डाल सकता हूँ, ठीक है, इसमें पल्सर आपका पल्सर 125 का भी डाल सकता हूँ, साथ में पल्सर 180 का भी डाल सकता हूँ, पल्सर 220 का भी डाल सकता हूँ, ठीक है।
उसके अलावा जितनी भी बड़ी चूड़ी के प्लग होते हैं मैं उसमें फिट कर सकता हूँ जो सिमिलर होते हैं। बट अगर वहां पर मैं बात की जाए इस गाड़ी का स्पार्क प्लग, ये स्प्लेंडर गाड़ी का 100 cc का, ये जो है छोटी चूड़ी का प्लग है, ठीक है। तो ये छोटी चूड़ी का जो प्लग है ये स्प्लेंडर में लग जाता है, CD100 में लग जाता है, तो काफी सारी बाइकों में लग जाता है बट पल्सर में नहीं लगता है। बट अगर आप इस गाड़ी के प्लग से, इससे प्लग से आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये गाड़ी आराम से स्टार्ट हो जाएगी ये दोनों प्लग डल के। बट इससे नुकसान यही होगा जो कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे कार्बन आएगा और जब हम इसको टाइट कर देंगे, मैं आपको टाइट कर दिखाता हूँ, आपको इसको पूरा फुल टाइट करता हूँ मैं इसको फटाफट से आपके सामने। Few moments later. तो ये हमारा हो गया स्पार्क प्लग टाइट, ठीक है। मैं इसका प्लग निकालूंगा, प्लग पाना, और ये देखो मैं दिखाता हूँ इसमें क्या चीज़। ये देखो गौर से देखो ये कितना ज़्यादा अंदर गया, ये छोटी चूड़ी का प्लग है कितना अंदर गया है, ठीक है। अब ये जो ज़्यादा अंदर गया है ना तो इससे क्या होगा, जो कार्बन होता है यहाँ पर जमा हो जाएगा क्योंकि वो कार्बन जल नहीं पाएगा। ये देखो जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ, ये देखो ये कार्बन है पर ये कार्बन नेचुरल है, ठीक है। ये देखो ये कार्बन नेचुरल है, ये जब गाड़ी पुरानी होती है तो आ ही जाते हैं कार्बन, बट ऐसा ही कार्बन बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाएगा यहाँ साइड में और आपकी गाड़ी का ऐड कर देगा ब्लॉक एकदम, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके प्रॉपर प्लग की, जो इसका प्रॉपर प्लग था, ये मैंने इसका प्लग इसका खोल देता हूँ, हो गया हमारा टाइट स्पार्क प्लग, ये कर देते हैं इसको टाइट, ठीक है। अब देखो इसको मैं दिखाता हूँ आपको इस साइड का एरिया, ये देखो ये देखो ये कितना ज़्यादा बाहर है। अब यही मैं आपको कहना चाह रहा था, अगर मान के चलो मैं इस, ये मान लो ये वाला जो हेड है तो पल्सर का है, चलो ठीक है मैं मानता हूँ, अगर यही हमारा 100 cc का हेड होता और हम बड़ी चूड़ी का स्पार्क लगाते इसके अंदर, तो ये जो एरिया बाहर जो निकला है ये एरिया निकला ज़्यादा बाहर और ये इतना बाहर निकल जाता, इतना ज़्यादा बाहर निकलता। जब गाड़ी हम स्टार्ट करते तो वाल ऊपर नीचे होते इस तरीके से, गाड़ियों के वाल ऊपर नीचे होते इस तरीके से, और ये क्या करते हैं ये वाल स्पार्क प्लग में टच होते और आपके वाल टेढ़े कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का इंजन खुलने का स्थिति पे आ जाता, तो ठीक है। तो कभी भी बड़ी चूड़ी का स्पार्क प्लग छोटे गाड़ी के अंदर ना लगाएं और छोटी चूड़ी का स्पार्क प्लग बड़ी गाड़ी में ना लगाएं। ये एक्सपेरिमेंट अगर आपको मजबूरी में करना है तो आपकी 100 cc बाइक है तो उसमें आप ये वाला प्लग लगाएं, और आपकी अगर हैवी सीसी की गाड़ी है और ये लगाने की सोच रहे हो तो लगा सकते हो एक बार को मजबूरी में, पर आपकी गाड़ी अगर 100 cc की है तो आपके स्पार्क प्लग इसका, इस गाड़ी का प्लग यूज़ कर रहे हो इसका, तो वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरा कमेंट करके बताना, ये छोटी सी जानकारी थी सोचा आपके साथ शेयर करें, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले एक कस्टमर मेरे से बात हुई थी, उन्होंने मेरे से कहा था कि मेरी गाड़ी बीच रास्ते में फंस गई थी पर मैंने इमरजेंसी में अपनी गाड़ी में प्लग लगा दिया और वो प्लग से कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि उनकी गाड़ी थी पल्सर और उनके पास था स्प्लेंडर का छोटी छोटी का प्लग। काफ़ी सारे मैकेनिकों को नॉलेज नहीं होती, वो ऐसे ही कर देते हैं जो ऐसा लगा देते हैं, बट स्पार्क प्लग के बारे में जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आपको ऐसी वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं, और आपको मेरी वीडियो के अंदर जो जानकारी मिली है वो कैसी लगी है ये भी कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी वर्कशॉप पर विजिट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है, नंबर है, आप आ सकते हो। बुलेट का भी हम काम स्टार्ट करते हैं, ये जो बुलेट आप खड़ी है सामने इसका भी हम काम स्टार्ट करते हैं, आप बुलेट का भी काम करा सकते हो हमारे पास, बुलेट भी हम रिपेयर करते हैं। उसके अलावा रॉयल एनफील्ड के अलावा गाड़ी बजाज यामा वामा सारी गाड़ियाँ रिपेयर करते हैं हम, तो अगर आप आना चाहते हो तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है, आप आ सकते हो, फोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।